लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मंगलसूत्र नहीं बांधूंगा। क्या हुआ दामाद जी? जब तक मेरी दोनों बहनों को सिल्क साड़ी नहीं मिल जाती, मैं मंगलसूत्र नहीं पहनाऊंगा। दामाद जी, आप मंगलसूत्र पहनाइए, मैं अरेंजमेंट कर देता हूँ। मंगलसूत्र पहनाना है या नहीं? दामाद जी, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए ना। दामाद जी, अब तक मंगलसूत्र पहनाया कहाँ पे? नाराज मत होइए, मैं अभी अरेंज कर देता हूँ। हाँ तो जाइए। क्या बात है, अभी तक दूल्हा आया नहीं, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। आ रहे होंगे पंडित जी। अच्छा ठीक है बेटी। दामाद जी ला दिया। पंडित जी को दीजिए। आप जरा चुप रहिए, समझे? सॉरी शनाया, थोड़ा सा लेट हो गया। कोई बात नहीं, आप आ तो गए, चलिए चलते हैं। जल्दी करते हैं, एक तो पहली देर हो चुकी है। हाँ। ये पकड़िए, इनको माला पहना दीजिए। मंगल्यम दंदनाने नाम अवजीवन अघतनाम कंडेवत् शक्तिगस्तम रूपाक्षम सुखिवाग्नम जडाननम धारणम रुपहरोरग्नम भवजेद कुक्कुटध्वजम। ओम मंगल्यम दंदनाने नाम अवजीवन अघतनाम कंडेवत्राविं शुभहेतुं जीवसरदां शतम् कहीं मुहूर्त का समय बीत न जाए, ये सोच के हम बहुत ज्यादा ही चिंतित थे। भले ही आप लेट आए, लेकिन सनाया को खुश किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। संतोष में ही जीवन का परम आनंद है, जाइए अपने सुखी जीवन आरंभ कीजिए। शनाया, शादी में कोई नहीं आया सोच के दुखी हो रही हो?
आप यहाँ भाग भाग के आए हो ये 1000 लोगों के बराबर है। तुम्हें इस बात का दर्द तो नहीं है ना कि हम दोनों अनाथ हैं? अब से ये कभी मत कहिएगा, मेरे लिए आप हैं और आपके लिए मैं। अब तो मैं मर भी जाऊं तो भी तुम्हारा। मुझे ये सब बातें बिल्कुल पसंद नहीं, दोबारा मुझसे ऐसी बात मत कहिएगा। ठीक है, आज के बाद मैं ये बात कभी नहीं कहूंगा शनाया। अरे रे, मंदिर है। अरे रे, मंदिर नहीं, ये माताजी का मंदिर है। हर बात पे मजाक करते हैं, चलिए चलते हैं। चलो चलो, आज का काम बहुत अच्छा हुआ। कैमरामैन सर, क्या हुआ? दूल्हे के कैरेक्टर के लिए जो आदमी मांगा था वो आदमी आ गया है सर। दूल्हे के कैरेक्टर के लिए जो तू आदमी लाया है वो बहुत देर से आया है। ये हार किसकी गले में डालेगा? मेरे गले में डाल दे। 20 दिन से गली गली घूम के मैं इतनी मुश्किल से दूल्हा ढूंढ के लाया हूँ और ये आप क्या कह रहे हो? असली शादी है? पूरे गांव को बुला के खाना खिलाऊं? तुम क्या बोल रहे हो? मैं मंगलसूत्र पहनाने के मूड में आया हूँ। मंगलसूत्र पहनाने के मूड में आया है? अगर तू सुहागरात मनाने के मूड में आएगा तो मैं क्या तेरे लिए सिर सजाऊंगा? ये जैसे मुझे देख रहा है ना, ये किसी आदमी को भी नहीं छोड़ेगा। चल भाग यहाँ से। चल चल यहाँ से। है मार्केट में जो नया नया आया वो तो आराम से मार खा के चला जाएगा, पर अपन एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट को मार सकते हैं क्या? नहीं सर। ए, डोंट डिस्टर्ब। ये बार बार पलट क्यों जाती है? पापड़ के ऐड के लिए इतना बहुत है सर। पापड़ के ऐड में इतना ही चलता है? भैया कौन है वे? सरन्या। भैया हाँ, देखो कैसी है। केरल के मंदिर का 7वां दरवाजा खुलने पर जो देवी की प्रतिमा से चमक आती है वो इस लड़की से आ रही है। ये तो साक्षात देवी है। भैया सोने का ऐड है क्या? भैया ये मेरी पत्नी है। पत्नी है? क्यों भाई, तुझे पहले बताना चाहिए था ना। अरे अरे, भाई की पत्नी को मैं क्या क्या बक दिया, ये कोई बात हुई क्या? अच्छा छोड़ो ये सब बातें। ए भाई, शादी इंसान की जिंदगी में एक बार होती है, तू मुझे बताता तो मैं भी शादी में शामिल हो जाता ना। अरे भैया ठीक है, अचानक हो गया, अब आशीर्वाद दो ना भैया। ओ सदा सुखी रहो तुम दोनों। सरन्या, ये भैया ही हमारी एड कंपनी के कैमरामैन हैं, ऑल इन वन है, सारा काम यही संभालते हैं। और ये है इनकी हाँ पर्सनल असिस्टेंट, और ये है हमारे ऑफिस का स्टाफ। नमस्ते। हेलो। चुप करना, तू पीछे कहाँ छुप रहा? आ मेरे साथ। मुझे दूल्हा बनाने के लिए लेके आए तो आपने एक्टिंग क्यों किया सर? ए, शूटिंग कितने बजे थी और तुम कितने बजे आ रहे हो? मुझे गलत एड्रेस देकर ये घुमा रहा था सर। भैया ये भले ही मेरा क्लासमेट था लेकिन ये आपका साला है, सिर्फ इसलिए मैंने इसे काम पर रखा है। तुम जाओ, मैं देखता हूँ। भाई तू एड्रेस पे गया था ना? हाँ ना। कौन सा एड्रेस पे? अन्ना नगर पुलिस स्टेशन के बाजू वाला शादी का मंडप। अन्ना नगर में 5-5 शादी का मंडप है, किसमें जाना है कौन बताएगा? तेरे को सही एड्रेस नहीं पता चलता? अरे ये पहले इसने जो काम दिया उसका कमीशन नहीं दिया, इसलिए पटना मुझे घुमा रहा था। कब सुधरेगा? एक काम तू सही से कर नहीं पाता, ये गेंडा धरती पे पहुंचा है, क्या करूं मैं इसका? तुम जाओ यार, जाओ जाओ। भैया जरा संभालिए इसे, इसको बांध के रखो सर। जाओ जाओ। मैं भी जाऊं क्या? जाओ ना। अरे रे रे, ये ऐसे देख के मेरा मूड बना देती है, मैं क्या करूं? साले साहब अच्छे से काम करना, कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है? जीजा। क्या हुआ? सबके सामने मुझे डांट दोगे तो क्या आप सही हो जाओगे? आपकी सच्चाई बताऊं क्या? सच्चाई सुन के जी पाओगे? इंसान जैसा रहता है वैसे ही रहना चाहिए। अब सुनो, मैं जान के भी गलती करूंगा और अनजाने में भी गलती करूंगा, कुछ भी हो जाए तुम चुपचाप रहना, आई बात समझ में? निकला जीजा, जाओ। थोड़ा इज्जत से बोलना यार। निकला। ये नाम है हमारी कंपनी का, जेम एड एजेंसी। बैठो। बैठो ना। वेलकम माय डियर सरन्या इन योर ऑफिस, आज के बाद तुम ही मेरी बॉस हो। ये देखो, ये हमने पिछले महीने शूट किया था। अच्छी लग रही हो। ये क्या संतोष, कुछ याद आ रहा है आपको?
संतोष, तुमने पढ़ाई तो कंप्लीट कर ली है, अब आगे क्या करने का इरादा है? विजुअल कम्युनिकेशंस करूंगा मदर, उस फील्ड में मैं बहुत आगे जाना चाहता हूँ और यही मेरा सपना भी है। तुमने जो फोटोज निकाले थे वो भी साथ ले जाओगे बेटा? हाँ मदर। तुम्हारी ली हुई एक नेचर की फोटो मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। इस फोटो को देखकर कुछ याद आ रहा है बेटा? मदर, ये मेरी जिंदगी की पहली फोटो है। इसे मैं तुम्हारी याद समझ के रखूंगी बेटा। ओके। गॉड ब्लेस यू चाइल्ड। थैंक यू मदर, चलता हूँ। भगवान, मैं आपके सानिध्य में आया हूँ। इस अनाथ को आप ही रास्ता दिखाइए। किसका है ये? देखते हैं। दादी एक मिनट सुनिए। हाँ? आपके गले से आपकी चेन गिर गई है क्या? नहीं नहीं बेटा, मेरे पास चेन है, मिस नहीं हुई है। ओके। एक मिनट। हाँ कहिए। क्या आपकी चेन मिस हो गई है क्या? हाँ, हाँ मिस हो गई है, मेरे मामा ने खरीद के दी थी, यही कहीं पर गिर गई, पता भी नहीं चली, किसी और का होगा। नहीं नहीं वो मेरा ही होगा। ऐसा क्या, बेंटेक्स की है या गोल्ड की है? बेंटेक्स की है जी। नहीं नहीं सोने की है। इसे याद नहीं है ये कौन सा पहन कर कमाल करती हैं। आप सब अलग अलग जवाब दे रही हैं। सोने की है सर, मेरे मामा ने खरीद के दी थी। सर मुझे रुलाइए मत, मेरा चेन मुझे दे दीजिए, मैं सच बोल रही हूँ सर। हेलो, इनका चेन क्यों नहीं दे रहे हो? बेंटेक्स की है, गोल्ड की है, ये सब पूछ रहे हो, दे के चले जाना चाहिए ना। लेकिन ये इनकी है ही नहीं। ये आप कैसे बोल सकते हो? देखिए मैडम, ये सही सही बताएंगी तो दे दूंगा, वरना मंदिर के दान पेटी में डालकर चला जाऊंगा। जाओ जाके डाल दो। कमाल है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी चेन, अपने पास ही रखो, आओ चलो। सारे लोग लालची हैं। अच्छा, बिना काम के मंदिर में नाटक कर रहा है। हेलो, हेलो, एक मिनट सुनो, सुनिए तो सही। हेलो हेलो, अरे रुकिए तो। मतलब ये चेन आपकी है ना? नहीं तो। आप झूठ मत बोलिए। आपका ये ड्रेसिंग सेंस और उस पर मैच कर रही ये गले की चैन और अभी आपका ये सुना सुना गला, उस लड़की ने चैन मांगी तो आपने कहा कि उसे दे दीजिए। आई थिंक ये चैन आपके गले पर सही लगेगी। मैंने दान पेटी में डाल दूंगा ऐसा कहा तो आपने बिना डरे कह दिया कि जाओ जाकर डाल दो। इस सब का मतलब तो यही हुआ ना? ठीक है दे दो प्लीज। थैंक्स। कमाल की है। आओ सरन्या, मैं तो तुम्हें पहली बार बाहर लाया हूँ तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है, थोड़ा लाइफ को एंजॉय करो। संतोष, जिस दिन मैंने तुम्हें मंदिर में देखा था उसी दिन मैंने अपना दिल तुम्हें दे दिया था। तुमने मुझ जैसी अनाथ से प्यार किया, मेरी चाची तो मुझे बचपन में ही छोड़ के चली गई थी, मेरे माँ बाप तो बचपन में ही चल बसे थे, इसलिए पैसे और जेवर से मुझे कोई लगाव नहीं है। अब तो मुझे मेरी जिंदगी बस तुम्हारे साथ ही गुजारनी है। संतोष, 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 कहाँ खो गए हो? नहीं कुछ नहीं, चलो चलते हैं।
संतोष, हम पहली बार शादी के बाद होटल आ रहे हैं ना? हाँ। वो एड फिल्म मेकर संतोष है ना? हाँ सर, वही है, संतोष ही है। एक मिनट में उसे मिल के आता हूँ। हाँ सर, कोई बात नहीं। हाय एड फिल्म मेकर मिस्टर संतोष। या आई एम वेंकट। आप आइए बैठ के बात करते हैं। मिस्टर वेंकट, ये है मेरी वाइफ। हाँ। सरन्या, ये है वेंकट। आई एम फ्रॉम मलेशिया। बताइए सर। मिस्टर संतोष, मैंने आपके सोप की एड देखी। oh. मुझे बहुत अच्छा लगा। फैंटास्टिक। थैंक यू। आपके साथ कोई काम करना चाहता है, मिस्टर राज पांडे, वो मेरे दोस्त हैं। ओह आई सी। उनके मलेशिया के अंदर एक चॉकलेट की कंपनी है। उसके लिए एड बनाना है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे हाँ कहो, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। ओके सर। हेलो, मैं वेंकट बोल रहा हूँ सर। सर, आपने चॉकलेट कंपनी के एड के लिए कहा था ना, मैं डायरेक्टर के साथ बैठा हूँ। वो नंबर वन डायरेक्टर हैं। उनका एड मैंने आपको दिखाया था ना, वो अपने चॉकलेट का एड भी बहुत बढ़िया बनाएंगे सर। राइट सर, मैं उनको अपना कॉन्सेप्ट बता के आपको फ़ोन करता हूँ। ओके थैंक यू सर। कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आपको मलेशिया में शूट करना होगा, इसके लिए आप तैयार हैं ना? ओके, एवरीथिंग इज ओके। ओके दैट्स फाइन। थैंक यू। ओके मिस्टर संतोष। ओके सर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, बैग में रखो। ये क्या आइटम है ये? तरह क्या हुआ बोलो ना सर। पब्लिक टॉयलेट की तरह इसका थोबड़ा कितना भद्दा है। एक बात बता, इतने गंदे दांत तू कभी देखी है क्या? नहीं सर। पैसों के लिए कैसे कैसे घोंचू लोगों को झेलना पड़ता है। क्या सर, आप मुझे यहाँ बिठा के उसके साथ लव कर रहे हो क्या? लव कर रहे हैं? ए जरा क्या हुआ सर? अब बता तेरा क्या काम करना है। ये क्या चल रहा है सर, तुम्हारे साथ में लड़की है तो सब भूल जाओगे क्या? एक घंटे से दांत निकाल के बैठा हूँ। मुझे इस दांत का एड बनाना है, जल्दी से जल्दी बनाओ। भाई तेरे दांतों को दिखाया तो कंपनी को ताला लग जाएगा यार। ये देख कितनी सुंदर है, ये अपने पास है ना, इसको एड में दिखाएंगे तो अपनी कंपनी बहुत ऊपर जाएगी। हेलो, ये मेरी इज्जत की बात है, ये मेरे दांत दिखा के ही मेरी कंपनी का एड मुझे बनवाना है, बनेगा कि नहीं? मैं यहाँ रुकूंगी तो चक्कर खा के गिर जाऊंगी सर। क्यों, तूने नाश्ता नहीं किया क्या? सर इसके मुँह से चूहे की बदबू आ रही है सर। चूहे का बदबू आ रहा है? कहीं चक्कर खा के मैं यहाँ मर ना जाऊँ सर। अरे अरे अरे, तुझे जिंदा रहना है, मरना मत, चल जा। अरे मेरी कुलदेवी, अगर आज मैं इस कंकाल से अपनी जान बचा पाया ना तो 100 साल जीऊंगा। क्यों सर, वो लड़की बाहर क्यों चली गई? यहाँ रहती तो ऊपर चली जाती, इसलिए बाहर चली गई। सर हल्के में मत लो, ये दांत देख के ही ससुर ने लड़की दी थी। लड़की दी होगी मगर वो जिंदा है क्या? हेलो, मेरी औरत जिंदा भी है और उसके 7 बच्चे भी है। उन सबके दांत भी ऐसे ही है? हाँ सबके दांत ऐसे ही है सर। बदनसीब है बेचारे। मेरे गांव में मेरा नाम क्या रखा गया है जानते हो क्या? क्या नाम है बता दे। बताता हूँ, छोटे चावल जैसे दांत वाला, बैंगन जैसे कलर वाला। अमावस रखा होगा, सही बोल रहा हूँ ना सर? एकदम करेक्ट पकड़ा सर। उधर जाके बैठ जा, फोटो खींचता हूँ तेरा। ब्याज का पैसा चुकाने के लिए इस भिखारी का भी काम करना पड़ रहा है। अन्नपूर्णी जल्दी आ जा यार, अकेले नहीं झेल सकता, टाइट होके बैठ। आया है राजा, लोगो रे लोगो, राजा कैसे? हेलो जीजू। अरे साले साहब, एक गुड न्यूज है। क्या? अब ये कौन है? साइड इनकम होनी चाहिए ना, ऐसा इसलिए मैंने दांत की एड का काम उठा लिया है। कितने में डील हो रही है? 10,000 में। 10,000? 1,00,000, 2,00,000 बोलने का? 10,000 मुझे समझ में नहीं आता। घोचू घोचू। ए चल उठ, भाग यहां से, चल भाग। साले साहब पैसा दे रहे, पैसा। ए, ये एड हम नहीं करेंगे, मैंने अपने लिए दूसरी एड अरेंज की है। मेरी बात सुनो, तुम दोनों ने मेरे काम को ना करके भगा दिया ना मुझे, मैं तुम्हें मेरा काम करने पे मजबूर कर दूंगा, नहीं तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा नहीं। ए, चल निकल यहाँ से, निकल। आइए सर, ये है मेरी जीजा। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। आप एड लेने वाले हो ना? मैं एड देने वाला हूँ, मैंने भाई को बोला था, बोलोगे तो बैठ जाएंगे, बोलोगे तो खड़े हो जाएंगे। मुझे बोल, सो भी जाऊंगा। जिस काम से आया वो मैटर बता। अरे बताता हूँ ना भाई, मेरा नाम है जंगल कोटी। क्या बकवास है, जिस उम्र में बच्चों लोग दीवार दीवार कूदते हैं उस उम्र में मेरे बापू ने मेरी शादी कर दी। कभी कभी पॉज भी लिया। अरे तू चुप करना, बकवास कर रहा है। और दिमाग खराब करती थी, एक दिन खोपड़ी घूमी मैंने मार दिया। क्या बोला? सर मैंने अपनी वाइफ को मारा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? 6 महीने हो गए तब से मैं चैन की जिंदगी नहीं जी पा रहा हूँ। अपनी पत्नी को याद कर रहे हो? नहीं सर।
सर, अच्छी बीबी के चक्कर में मैंने दूसरे से शादी की और चार बच्चे पैदा कर दिए और वो चारों खेल रहे हैं, चारों बदमाश हैं, दिन भर उधम मचाते रहते हैं। किसी को स्कूल नहीं भेजते क्या? आप सिर्फ मेरी बात सुनिए सर, अभी भी मैं अपनी पत्नी को पेट से करके आपसे मिलने के लिए आया हूँ। ये तू अपनी मनहूस बातें मुझे सुबह सुबह सुना के क्यों पका रहा है? सर आप ऐड लेने वाले हैं, मैं ऐड देने वाला हूँ। एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानना चाहिए ना, अब बताइए ना अपना। मेरे बारे में बताने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। सर आप मुझे बहुत थके हुए लग रहे हैं, आपके लिए एप्पल जूस लेकर आऊं क्या? एक काम कर, पहले तू 5 लीटर जूस पी के खुद मोटी हो जा, उसके बाद मेरे बारे में सोचना। ओके सर। देख रहा हूँ तेरा नया नया नाटक, जा। सर अपने बारे में छोड़िए, इसके बारे में कुछ बताइए ना। आगे एक बात भी मत बोलना, जिस काम के लिए आया है वो बात बोलना भाई। ठीक है सर, अब मैं सिर्फ काम की बात करूंगा। जो एड आप देने वाले हो सिर्फ ये बता दो उसका पैसा आप कितना दोगे? ये क्या बात हुई? सर आप एड लेने वाले हो, मैं एड देने वाला हूँ, आप दाम बताइए ना। दाम का मतलब क्या होता है? दाम बोले तो बजट जीजा। बैग बैग मनी मनी पकड़ लो क्या बस में बकवास कर रहे हो? बताओ एड कितने में लोगे? आपकी एड का 50,000 तो लूंगा कम से कम। 50,000? इतना महंगा? इतना महंगा? अरे इतना महंगा एड में कैसे ले सकता हूँ? अरे कोई मुझे बचाओ, मैं इतना महंगा एड नहीं दे सकता, मेरी बात मानो ना, मैं सिर्फ 4,000 रूपए दे सकता हूँ। एक एड का सिर्फ 4,000 देगा ये घूंच? अरे वो बात छोड़ो, पहले मैटर करे। स्पीक साइंसी। एक काम कर, तू इस लड़की को ले जा बाहर, 6 राउंड लगवा के आ जा। अरे ये लड़की तो काम की, इसे बाहर क्यों भेजा? तू चुप हो जा, चुप कर। ठीक है सर, हम सिर्फ काम की बात करते हैं। सर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जो पसंद हो आप ले लो। किस चीज की बात कर रही है? चीज मतलब पैसा जीजा। हाँ चीज दिखाइए, पकड़ो। ये तो कोई पत्ता है? इसका सेंटीमेंट। ये मुंह पे क्या कर रहा है? पसीना पहुंच रहा है ना, उसके बाद पैसे देगा। ये भी पकड़ो, आप देखिए आइटम बाहर खड़ी है, आप इस पर टिक कीजिए, मैं उसे अंदर बुला लेता हूँ। किसको टिक करना है? ये उस्मानाबाद की है, ये किर्गिस्तान की है, ये अफगानिस्तान की ब्यूटीफुल, और ये लियाना के गांव की, और ये रजनीकांत के गांव की। हम गाय बकरी को ऐड नहीं करते, ऐड बनाने की कंपनी है हमारी, वी आर एड मेकर्स। क्या रे, तूने अभी एक ऐड का 50,000 बोला था, अब पलटी मार रहा है? नहीं चलेगा, हम गांव वाले हैं, दिमाग खराब करेगा ना तो जबान काट लूंगा। वो मुझे गुस्सा मत दिला। चल बोल तुझे कौन सी चीज चाहिए, चल 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 चल, अरे चल ना, चल बोल जल्दी बता। ये दरवाजा क्यों बंद कर रहा है? ये चाबी से क्या कर रहा है? तू ताला क्यों लगा रहा है? तू क्या बोल रहा था, तू किसी जंगल का राजा है? हाँ मैं हूँ ना। तूने अपनी 2 वाइफ से 4 बच्चे पैदा किए, क्या तू सच में उन सबका बाप है? क्यों, क्या मतलब है इसका? मुझको तेरे पर डाउट लग रहा है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, भाग रहा हूँ। अच्छा तू भाग रहा है, मैं तुझे छोड़ दूंगा, मैं तुझे देख लूंगा, जब तक तू यहाँ वापस नहीं आएगा ना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, देखता हूँ कब तक नहीं आएगा, मैं यहीं पे सो जाता हूँ। कितना अच्छा चल रहा है ना संतोष? शादी के बाद पहली बार हमें इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, और इसलिए तुम्हें भी मेरे साथ मलेशिया चलना चाहिए, ओके? मैं देखती हूँ। देखती हूँ मतलब? ए सरन्या रुको तो, रुको ना, क्या हुआ? हाँ और नहीं तो क्या, जनरली शूटिंग चलती है और तुम रोज ही लेट आते हो, अब मैं मलेशिया जाके भी तुम्हारा वेट करूंगी। अरे नहीं। ए, क्या सरन्या, प्लीज यार जरा याद करो ना, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे काम में मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगी। ए, थोड़ा सा मजाक भी नहीं सह सकते? तुम्हारी सक्सेस से मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी। संतोष, मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें एक कविता सुनाऊं। पंछी अपने बच्चों का पेट भरती है जब तक वो उड़ने नहीं लगते। वैसे ही कच्ची करी खुशबू नहीं देती जब तक वो खिलके फूल नहीं बन जाती। गर्भवती माँ अपने बच्चे का बोझ उठाती है जब तक वो बच्चा दुनिया में नहीं आ जाता। आँखों का सपना भारी होता है जब तक वो सपना पूरा नहीं हो जाता। कविता तुम्हें कैसी लगी? कविता कैसी लगी? कविता कैसी भी हो, मुझे तो कविता वाली पसंद है। ए, 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 ए,
हेलो, बाकी सब हम मलेशिया में करेंगे। हटो। जल्दी उतरो। हाँ जीजा, ये घर है, जल्दी चलो। ए, साले साले यार, ये घर देख के अच्छा नहीं लग रहा है, एटमॉस्फेयर भी अलग लग रहा है, कुछ गलती तो नहीं होगी? एक बार गलती होती है, दो बार होती है, छह बार हो चुकी है गलती, ये सातवीं बार है। सातवीं बार मतलब भगवान का नंबर। मैं बोल रहा हूँ कुछ भी गलती नहीं होगी। हर बार तुम मुझे फंसाते हो, इस बार नहीं सुनूंगा। ए सुनो, ई 10,000 चाहिए क्या? ए तू इधर भी आ गया, मैं तुझे मार ही डालूंगा, समझा? भागता हूँ। साले साहब, 10,000 रुपए वो दे रहा है, कम से कम 10,000 तो आने दो ना, वो अपने कुछ काम ही आएगा। लाख करोड़, उससे कम नहीं, चलो। वो भी चला गया। ए तू कहाँ चल रही है? मैं भी साथ में चलूंगी सर। इस बिल्डिंग की पेंटिंग कुछ अलग लग रही है, मैं अंदर जाके लाइटिंग चेक करता हूँ, फिर तुझे बुलाऊंगा, ठीक है? ओके सर। तू ऐसे मुझे मत देख, कार के अंदर बैठ, चल। मेरी जीजा जी आ रहे, आ रहे। जीजा जी आओ। रुको रुको, हाथ मिला लीजिए सर, या पकड़ लीजिए एडवांस। अरे अरे, ये क्या, कितना रुपया? सिर्फ 1,00,000 रुपया सर। आइए बैठ के बात करते हैं। बैठिए सर, बैठिए। सर, आपके बगल में एक कड़क माल खड़ी है, आप एक बार ऊपर से नीचे तक देख तो लीजिए, क्या कड़क माल है सर। सर देखो ना सर। नमस्ते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये मेरी औरत है। ये अपनी पत्नी को कड़क कड़क क्यों बोल रहा है? जीजा, पैसा दिया ना देखने के लिए, सिर्फ उसको देखो ना, काम से मतलब रखो, चलो। आपने अच्छे से देख लिया ना? ओके सर, हम लोगों की शादी को होके 11 साल हो चुके हैं, लेकिन एक भी बच्चा नहीं हुआ। क्या कर रहे हो? अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो किसी वैद को क्यों नहीं दिखाते आप? वो जड़ी बूटी दे देगा, बच्चा अपने आप हो जाएगा। अरे सर, ऐसी बात नहीं है सर, ये बोल रही है कि अभी मुझे बच्चे की जरूरत नहीं है, अगर बच्चा हो जाएगा ना तो इसका प्यार बच्चे के साथ बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा? अरे अरे अरे, 11 साल में ये कुछ नहीं उखाड़ पाया तो अभी ये क्या कर लेगा? आप समझ गए ना? ओके, तुम भी इनसे बात कर लो। सिर्फ इतनी बात नहीं है सर, इनके रिश्तेदार और मेरे रिश्तेदार सबके सब आजकल विदेश गए हुए हैं। सबके सब? इस घर में आप दोनों के दादा दादी बुढ़िया कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं है सर। ये सब कैसे है? सर, आप तो देख रहे हैं कि हम दोनों यहाँ कितने प्यार से अकेले रहते हैं, लेकिन हमसे जलने वाले लोग विदेश में ये बात फैला चुके हैं कि हम दोनों लड़ते हैं और अब अलग हो चुके हैं। अरे रे रे, आपको मेरी एक हेल्प करनी होगी। कहिए क्या करते हैं? हम दोनों यहाँ पति पत्नी जैसे खुश रहते हैं, आप इसकी पूरी पिक्चर बनाओ, आधे घंटे का वीडियो बना के मेरे हाथ में दे दो। अब आधे घंटे की कौन सी फिल्म बनती है साले जी? साले जी, यहाँ कुछ दाल में काला है। 1,00,000 है। मैं अपनी एक कॉपी यहाँ से बाहर भेजूंगा ना, तो उन लोग लाखों कॉपी करके चारों तरफ बांट देंगे, मैं फेमस हो जाऊंगा सर। अब यहाँ बैठी क्यों सर, उठो उठो, चालू करते, चलो चलो, आजा 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 आजा, आइए सर, आइए सर, आइए आइए। साले जी, ये तो कैमरा भी खुद लेके गया है। 1,00,000 रुपए दिया है ना, चलो। आइए आइए आइए, कैमरे का पोजीशन ओके है ना? अरे तुम्हें कैमरा सेट करना आता है? अरे क्या बात है सर, क्या छोटी बात कर दी। आइए 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 सर, आइए, चलो चलो चलो। अरे तो जाए यार, तुम दोनों की बॉडी एक जैसी है, आजा आजा आजा, चलो आगे चले। देख रहा है इन लोगों का नाटक? 1,00,000। चुप कर, देख तू गलत कर रहा है यार। ये क्या है, बोल रहे थे खुशी के बल शूट करोगे, यहाँ तो उंगली पकड़ के खड़े हो तुम। तो फिर इतना ओके है? थोड़ा और पास। अच्छा चलो और पास, इतना ठीक है सर। और थोड़ा पास, और थोड़ा पास, इतना तो इतना। अरे और नजदीक आओ। अरे और कितना नजदीक आऊं, पका के रख दिया, आके गले लगा के दिखाओ। हे, ओ, तेरी औरत को मैं क्यों गले लगाऊं, पागल है क्या? आ जाओ सर, मुझे अच्छा लगेगा। क्या बोला अच्छा लगेगा? ब्लैक एंड व्हाइट अच्छा नहीं लगता, व्हाइट एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। आ जाओ सर, गले लगा लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ सर। ये आदमी कुछ अलग लग रहा है, कन्फर्म हमें फंसाएगा। 1,00,000। देख कुछ हुआ तो तेरी जिम्मेदारी होगी। अरे आओ ना सर, आपस में क्या बात कर रहे हो, आप आके मेरे पोजीशन में खड़ा हो जाओ, मैं आपके पोजीशन में खड़ा हो जाऊंगा। तुम्हें कौन सा पोजीशन लेना, मुझे क्या लेना देना, बताता हूँ ना। ये लो क्या सर? सर? पागल हो गया है। अरे सर क्या पका रहे हो, अगर मेरा लेटने पसंद नहीं है तो खुद आकर लेट जाओ, कौन रोका है? नहीं तो एक काम करो सर, आप ना थोड़ा लाइट को डिम कर दो और कैमरा ऑन कर दो, और आप बाहर जाके आधे घंटे कॉफी वॉफी पी के आओ, तब तक हम लोग शूट कंप्लीट कर लेंगे, आप आके सिर्फ हमको उसका फुटेज दे देना। मैं लाइट ऑफ करके आराम से चाय कॉफी पी के आऊं, तू यहाँ लगे रहेगा? हाँ सर, निकलना पड़ेगा। अब मैं समझ गया, अच्छा हुआ तो भाग गया,
दरवाजा बंद करके सुबह तक तेरी ऐसी धुलाई करूंगा कि तू हमेशा याद रखेगा। आगे आगे आगे। तू इसको पकड़, मैं कैमरे पे जाता हूँ। नाटक मत करो सर, पैसा दिया हूँ। इसको पकड़, इसको पकड़, मैं कैमरा ऑन करता हूँ। अभी कोई बचा नहीं सकता, पकड़ के रखना। अभी 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 इसके फिल्म में लाता हूँ। पकड़ ले, पकड़ के रखना। हाँ छोड़ ले, छोड़ मोटी। मैं कम इन। वेलकम मिस्टर संतोष। थैंक यू सर। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। एमजीएम गोल्ड हमारी कंपनी है। हम नया ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके लिए हम एक बहुत अच्छा एड चाहते हैं। आप बनाएंगे? ओके। या बिल्कुल सर। वन सेकेंड। थैंक यू सर। आपके ब्रांड के साथ जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। गुड लक। थैंक यू। हाँ ये रेडी हो गया सर, चेक कर लो आप। सुपर, कमाल कर दिया आपने। मैं तो काम करता हूँ, कमाल अपने आप हो जाता है। क्या कर रहा है? जरा देखो, मैं भी थोड़ा देखना चाहता हूँ जीजा। तू देखिए क्या करेगा, इस फिल्म का तू डायरेक्टर है, तुझे कैमरे के बारे में क्या पता है? तू चुपचाप इसको देख, बहुत मजा आएगा। जीजा ये आपको देख रही है जीजा। छोड़ यार। साइलेंस साइलेंस साइलेंट। हम लोग अभी यहाँ पर क्यों आए हैं? एमजीएम का ऐड करने के लिए आए हैं ना, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। आर्टिस्ट कहाँ पर है? हाँ यार आर्टिस्ट कहाँ पर है? ए मैनेजर सर सर, सर 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 मेरा तौलिया तेरे पास कैसे? राजशेखर मेरा फोन भी अपने पास रखा है, मारूंगा तुझे। आर्टिस्ट किधर है? अरे सर ऑन द वे। मुंह पे हाथ रख के क्यों बात कर रहा है? अरे यार ए हम लोग फिल्मी आदमी हैं, अरे आपको एक दो पैक के ऊपर नहीं जाना चाहिए। कल रात की बात आ रही है, अभी तक जा जाके काम पे ध्यान दे। देख आर्टिस्ट कहां पहुंची, जा ये ले। ओके सर। ओके सर। गुड शॉट, वेल डन, सुपर्ब। ऐसा कुछ नहीं है। जाओ ना साले जी। ठीक है, बिना काम के इसे इज्जत देनी पड़ती है। भैया ये आप क्या कर रहे हो? भाई काम दिमाग पर चढ़ गया है तो थोड़ी सी। ठीक है देर हो रही है, जरा जल्दी निकलना। हाँ एकदम एकदम। मिली 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 मुझसे मिली सपने मैं तुम तो, मिला 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 तुमसे मिला किस्मत से मैं तो। मुझको ना टच करना, ऐसे मुझको ना किस करना, ऐसे ना मुझको तू बाहों में भरना। अयो ये तो पीछे पड़ा है मेरे, जम से कली हूँ मैं, तेरी नहीं हूँ मैं। मुझको मिलेगा जो होगा बड़ा राजा कोई। अरे तुम लोग ऐसे कैसे नाच रहे हो? ऐसा नहीं नाचने का, मैं तुम लोगों को मूवमेंट दिखाता हूँ। हाई तक्का हाई तक्का, रेडी हो ना? सेल फोन तू मुझको समझना, चच करने दे आएगा मजा, चच करने देगी तो चांस दे दूंगा, चिस करने देगी तो चांस दे दूंगा, अरे गले लगेगी तो चांस दे दूंगा, अरे क्यों नखरे तू करे।
हर मांग लिया तेरे लिए मरते हैं सारे, जवानी को दे दिया जा अब हम सवारे। बोलेगी तो जूली अभी चढ़ूंगा रे, ऐसे मुझको न टच करना, ऐसे मुझको न किस करना, ऐसे मुझको न बाहों में भरना, अयो ये तो पीछे पड़ा है मेरे। वजह से ही मैं आज इस पोजीशन पर पहुंचा हूं सरन्या। ए कम ऑन आओ संतोष, तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है? हाँ, इसके बारे में मैं खुद ही तुम्हें बताना चाहता था। मलेशिया से लौटते ही हम तुरंत नया घर ले लेंगे, उसके बाद हमारी जिंदगी बहुत ही आराम से गुजरेगी। मुझे कार, घर, बंगले से कोई खुशी नहीं मिलने वाली। आप अपने बिजनेस में बहुत आगे बढ़ो, तब मुझे खुशी मिलेगी। मैं वो सब कुछ नहीं जानता सरन्या। जब से हम मिले हैं तब से तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। इनफैक्ट तुम्हारे दिए पैसों की वजह से आज मैं इतना आगे पहुंचने में कामयाब रहा। एनीवे, तुम्हें तो मैं बॉस मान ही चुका हूं। नहीं संतोष, जितनी भी सक्सेस तुम्हें मिली है वो तुम्हारी मेहनत है, और मैं तो तुम्हारी ही हूँ, और सिर्फ अब के लिए नहीं, सातों जन्म के लिए। बैरर, कब सुधरोगे तुम? क्या बहन जी? क्या बहन जी, बहन जी, बहन जी कर रहा है क्यों? जब पैसे की जरूरत थी तो तूने मुझसे उधार लिया था ना? लिया था कि नहीं? हाँ लिया था। तो बोल क्यों नहीं रहा है? क्या बोला था तूने? घर आ जाना, ब्याज का पैसा दे दूंगा। ले, मैं आ गई, चले क्या? धीरे से बोलो ना बहन, अगल बगल में लोग रहते हैं, थोड़ी सी मेरी इज्जत भी तो है। दिमाग मत खराब कर, बहुत बड़ी इज्जत है तेरी। पैसा लेने के पहले तुझे तेरी इज्जत नहीं समझ में आई? पैसा तो मेरा है ना, मुझे पैसे लेने के लिए तेरे दरवाजे क्यों आना पड़ा? ये तो मेरी इज्जत का कचरा कर देगी। क्या भुन भुना रहा है? जा पैसा लेकर आ, जा बे। आप वहाँ सोफे पर बैठिए ना, मैं पैसा लेकर आता हूँ अभी। ऐसा क्या देख रहा है? ओहो, इतनी डेंजर है बाप रे। तेरे की इसकी आंखें देखकर तो मुझे सच में डर लग गया। कहाँ गया? पूरे 10,000 रुपए मैंने रखे थे यहाँ पर। क्या यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर आज मैंने इसके पैसे नहीं लौटाए तो ये मेरी पूरी इज्जत का कचरा कर देगी यार। जरूर मेरे साले ने हाथ साफ कर दिया है, मेरी जिंदगी नरक बना दी इसने तो। मैडम, नमस्ते मैडम, आपके पति देव अंदर हैं क्या? मुंह बंद कर कालिए, वो उधार लेने वाला मेरा पति होगा। वो आपके पति नहीं है। इसके पहले तूने कभी मुझे यहाँ देखा? मैं नई नई हूँ, मेरा दिमाग मत खराब कर। आप नई नई हो? हाँ नई हूँ, पर तू यहाँ क्यों आया है? मैंने उसे 10,000 रुपए दिए हैं एड बनाने के लिए। सड़ी लाश की तरह बदबू मार रहा है। मैं लाश की तरह बदबू मारता हूँ? साले जी, पीछे से किसी को आवाज लगाते है क्या? बोलो क्या काम है? बोलो। साले जी, मैंने वहाँ पर 10,000 रुपए रखे थे, गायब हैं। झूठ मत बोलना, मेरे से झूठ मत बोलना। मैं सच बोल रहा हूँ, रखे थे वहाँ पर मैंने। पता है मुझे 10,000 रुपया था, और उसको मैंने खर्चा भी कर दिया। 1 रुपया बचा 1,000 में, जाके ले लो। मेरे साले जी मान जाओ ना, मुझे किसी को उधारी देनी है,
इसलिए मैंने उस दांत वाले से पैसे ले लिए। उस घोंचू से ले लिया? अरे अब क्या हम लोग फंस गए क्या? तुमको अकल नहीं है? जाओ जाके क्लियर करो, जाओ जाओ। पैसा आपने लिया, क्लियर करने मैं जाऊँ? हाँ तो आप जाके क्लियर करो ना। अच्छा हा? मैं जाके क्लियर करूँ? अरे तुम्हें हो क्या गया बताओ ना छोटू। क्या हुआ, क्या हुआ छोटू, बोलो तो। ये मुझे हार्ट अटैक दिलाएगा। क्या हो गया? अरे मैं हूँ, बोलो ना। दोनों मेरे सर पर चढ़ेंगे, मेरे होते हुए तुम्हारी ये हालत, बोलो हुआ क्या है? अभी ये दोनों मिलकर नाटक करेंगे, हे कुलदेवी मुझे बचा ले। अब इसका नाटक चालू हो जाएगा। क्या किया इसके साथ? मैंने कुछ नहीं किया डार्लिंग, तेरे भाई ने मेरे 10,000 पहले ले लिया। तो जीजा से पैसे नहीं लेगा तो क्या बाहर जाकर लूटेगा? वो मेरे भाई को चोर बनाओगे? तुम्हें एक बात पता है? वो क्या? जब से मैंने तुमसे शादी की है मेरे पिताजी बेड पर पड़े हैं। बेटी की शादी कर दी ना, सीने पर से बोझ उतर गया, इसलिए आराम से पड़े हैं डार्लिंग। ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्हें गलती का पछतावा है। मैं भी कुछ सच बताऊं क्या? वो क्या है? जब से तुमसे मैंने शादी की है मेरे सारे नौकर चोरी करके भागते हैं। क्या? लेकिन मुझे पता है वो सारा पैसा तेरा भाई लेता है। मेरे भाई ने लिया? ऐसे क्यों बात कर रही है? मैंने 10,000 रुपए रखे थे, इसने नहीं लिया, पूछ जरा इससे। तुम बहुत काम के हो, बहुत अच्छा काम करते हो, बाहर क्या रंग रलिया मनाते हो मुझे नहीं पता। पहले अपने आप को सुधारो फिर बात करो। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। बाबू तुम्हारी बहन ने मटन कोरमा और पनीर पुलाव बनाया है, उसे पेट भर के खा लो, सारा दर्द चला जाएगा। चलो खा लो बेटा। मटन कोरमा और पनीर पुलाव खाने से किसका दर्द भागता है यार? कहां से मेरे गले पड़ गई ये? हे भगवान, मेरे 10,000 रुपए का मटन बना दिया इन लोगों ने। वो बाहर बैठी है, मैं उसे क्या बोलूंगा समझ नहीं आ रहा। भैया क्या है भाई? आपकी सारी बातें मैंने सुन ली हैं। सच में सुन ली? भैया आपकी गलतियां आपकी पत्नी को मालूम ना पड़े यही सोचकर आप बहुत डरते हो ना। लेकिन उसे तो आपकी गलतियों के बारे में पहले ही पता चल चुका है। वैसे कौन सी बड़ी गलती की है आपने? अरे भैया जल्दी बताओ, मेरा सिर अब फटा जा रहा है। कौन सी गलती की होगी इसने? खैर वो सब छोड़िए, मैं मलेशिया जा रहा हूँ, अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, और ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे अपना भाई मानते हो तो। जब लगे तब मुझे फोन करके बता देना, राज जाने के लिए मेरा दिल तड़प रहा है, तो अब मैं चलूं? चलता हूँ। राज जाने के लिए इसका दिल तड़प रहा है? राज बाहर निकलेगा तो मेरे घर में धमाल मच जाएगा। ये कहां से आ गई? ए, मैं वहाँ खड़े होकर सुन रही थी, पर कौन सी गलती की है तूने? समझ गई, मेरे जैसी कोई सुंदर लड़की होगी, तूने उसे चुपके से नहाते वक्त देखा होगा। मेरी भी बात करो ना। ए, तू दूर जा। सही बोल रही हूँ ना? सिर्फ नहाने वाली बात सही है। हाँ, उसे नहाते देखकर तू सह नहीं पाया होगा और अंदर छलांग लगा दी होगी तूने। सही बोल रही होगी? नहीं तो फिर? हाँ, मंदिर के तालाब में नहाया होगा और धोती पहनना भूल गया होगा और फिर पूरे मार्केट में घूम के आया होगा, यही बात थी ना? तो फिर ऐसी कौन सी बात हो सकती है? अच्छा मैं समझ गई। क्या किया? एक दिन पी के तुझे नॉनवेज खाना था पर घर में तुझे नहीं मिला, बगल वाले के घर में जाकर कुछ खा लिया। बगल वाले के घर में जाकर खा लिया तो क्या हुआ? तो फिर तूने क्या ऐसी गलती करी है बताना। नहीं बता सकता। तो फिर मेरा पैसा दे। पैसा नहीं है। तो फिर मुझको सच बता, ध्यान से सुन, या तो पैसा दे या सच बता, या सच बता या पैसा दे। मैं सच बताता हूँ। बता बता, अरे बता ना। कान में बता ताकि कोई सुन ना सके। अभी तक मैंने कुछ बताया नहीं है। बता बता। हे भगवान, देखो किसी को मत बताना, मुझे पैसा नहीं चाहिए। हे भगवान, अरे बाबा, अरे रे रे। अच्छा वो उधारी उतरी। ए कैमरामैन, मुझे ऐड भी नहीं करनी है, पैसा भी नहीं चाहिए, बस इतना बता कि वो औरत को तूने क्या बोला, जल्दी बताना भाई। इसको भी बता देता हूँ, जान छुटेगी। तू कान इधर ला। अरे बाप रे, तू भगवान है भाई, सच में भगवान है। अब जा। अरे बाप रे, शुक्र है इन मनहूसों से पीछा छूटा मेरा। जय हो मुर्गन। Thank you.
ये है सर चाबी, मैं यहाँ स्टे करने के लिए बोला है। थैंक यू सो मच। ओके थैंक्स। हेलो जी, मैं आपके ऑफिस में आया हूँ, बाहर ही वेट कर रहा हूँ। हाय, आई एम आनंदी। हाय, आई एम संतोष। चॉकलेट की एड के लिए हमारे बॉस ने आपसे बात की होगी। हमारा ऑफिस ना बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पर है, चलिए आपको दिखाती हूँ। ओके। या कम प्लीज। गुड मॉर्निंग सर, आनंदी स्पीकिंग। बोलो। चेन्नई से एड फिल्म मेकर मिस्टर संतोष जी आए हुए हैं। अच्छा, अच्छा। फैक्ट्री हमने दिखा दिया है, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स भी दे दिया गया है और अपना कॉन्सेप्ट भी दे दिया है सर, आप उनसे बात करना चाहेंगे? हाँ दीजिए। बॉस है? हाँ। हेलो। यस सर, मैंने फैक्ट्री अच्छे से देख ली है, मैं कल ही शूटिंग स्टार्ट कर देता हूँ। हाँ, कॉन्सेप्ट तो मैंने सुन लिया है। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय। बॉस हैं क्या? वो लेफ्ट साइड में अंदर है। हाँ, कल मॉर्निंग में आपकी ज्वेलरी का सेट पक्का पहुंच जाएगा। ओके, रखता हूँ। हेलो सर, आई एम संतोष। हाय संतोष, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। मिस्टर संतोष जी, मुझे एक ज्वेलरी का एड बनवाना है। जरूर सर, कैसा चाहिए बताइए ना। वन सेकेंड। ये फुल वेडिंग सेट है। वाओ, बिल्कुल न्यू डिजाइन। ओके सर। ओ, ये सब मशीन कटिंग है क्या सर? हाँ हाँ। शूट कब से स्टार्ट करोगे? कल से मैं शूट स्टार्ट कर देता हूँ। कौन है सर आर्टिस्ट? जो भी होगी आर्टिस्ट बहुत ही अच्छी होगी। हाँ ओके, लेकिन एक जरूरी बात, सेंट्रल फिगर में मेरी बेटी होगी। हाँ ओके, शूटिंग की जगह मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। ओके ओके सर। ये रहा आपका एडवांस। थैंक यू सर। और ये गिफ्ट हमारी तरफ से। ये क्या है? आपका हनीमून ट्रिप है ना, ये पर्सनली हमारी तरफ से। Oh, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ओके। आप आज से शुरू कर सकते हैं? एक्चुअली आज मेरी चॉकलेट की शूट है, सो कल हम शुरू कर देंगे। तो मैं चलता हूँ सर। ओके। क्या कर रहे हो? छोड़ो। अपनी आंखें बंद करो। क्यों, ऐसा क्या हो गया? आंखें बंद करो ना। नहीं, पहले मुझे बताओ क्या हुआ। हमारे मैरिज के लिए मैं एक बड़ा सा गिफ्ट लाया हूँ। कौन सा गिफ्ट? पहले आंखें बंद करो। आंखें खोलना नहीं है। ओके। क्या लाए हो? वन टू। ओके, एक नया ज्वेलरी ऐड कमिट किया है। तो उनकी तरफ से ये गिफ्ट है। अब आंखें खोलो। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है। ए तेरे बिना दिल ये मेरा
लगता ही नहीं है कहीं, तू सुन ले मेरी धड़कन, हो जाएगा तुझको यकीन, तेरे संग है जीना, अब तू ही मेरा सपना, सब तेरे बिन कैसे जीना यूं हो पाए, तू ही है, तू ही है मेरे हर एक सपने में, तू ही है, तू ही है बस मेरे अपनों में, कैसे तुझसे मैं कहूँ हाल मेरा, हाल मेरा, हाल मेरा। तुझे है क्या पता बिन तेरे मेरा होता है हाल क्या, एक पल में मेरी सांसें और मेरी धड़कने, नाम तेरा ही ले हर पल में, तुझसे ये मेरा साथ है सनम, जैसे जन्मों का बंधन रे, तेरे बिन मुझे जीना घर पड़े, सोचा नहीं है कभी दिल ने, लागे ना तेरे बिन ये दिल, ढूंढे हर घड़ी तुझे ये दिल, तू ही है बस मेरे कदमों की मंजिल, प्यास है तिश्नगी सी है मेरे दिल में, देख के मुझे कहते हैं ये सब पागलों सा है हाल मेरा, इश्क का है ये मुझ पे जो असर, तेरा जादू चला मुझ पर, लागे ना तेरे बिन ये दिल, ढूंढे हर घड़ी तुझे ये दिल, तू ही है बस मेरे कदमों की मंजिल, हाँ मंजिल, देखा तुझको था सपनों में, लड़की तुम्हारे सामने बैठी है और तुम पेपर पढ़ रहे हो। क्या कहा सुंदर लड़की, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ बैठी है, बताओ ना। तुम भी ना। अरे बेल ने बचा लिया तुम्हें। ऐश्वर्या। हाय शरण्या। तू कैसी है? मैं अच्छी हूँ, तू कैसी है? फाइन, कम इन, कम इन। हाउस मलेशिया? गुड। संतोष, ये मेरी फ्रेंड है ऐश्वर्या, हमने साथ में पढ़ाई की है। हाय। हाय। हम दोनों बचपन से साथ में थे, हम बचपन से ही साथ में हैं। अचानक से मेरी नानी की डेथ हुई तो मैं दूसरे शहर चली गई, और उसके बाद ये भी मलेशिया सेटल हो गई, इसके भी पेरेंट्स नहीं हैं। ये आ रही है, मैं तुम्हें बताना भूल गई, सॉरी। अरे कोई बात नहीं, भूलना तो इंसान की आदत होती है। ओके, आप बैठिए प्लीज। ओके शरण्या, तुम भी ना। प्लीज बैठिए ना। सिट। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम अभी मलेशिया आई हो, मैं जाती हूँ, जब तुम जाने लगोगी तभी मैं तुमसे मिलने आऊंगी। ये क्या आते ही जाने की बात कर रही हो, कम से कम दो दिन तो यहाँ रुकना ही चाहिए। आप दोनों तो एक दूसरे का काफी रेस्पेक्ट करते हो, मेरे फ्रेंड को हमेशा ऐसे ही खुश रखना। अरे वाह, तू तो दादी अम्मा की तरह बात करती है। हाँ फ्रेंड, मैं तेरी दादी अम्मा ही हूँ, इससे पहले मेरी शादी हुई है ना। अरे पागल। शरण्या,
तुम्हें पुरानी दोस्त मिलने की खुशी में कहीं मुझे मत भूल जाना। ओके ओके। क्या बात है शरण्या, किसका लेटर है? वो मेरे लिए लेटर छोड़ के गए हैं। मेरी प्यारी वाइफ, तुम अच्छे से सोती रहो, मैं रात को आऊंगा और फिर तुम्हें रात भर सोने नहीं दूंगा। चलो ठीक है, रात को मैं नॉवल पढ़ूंगी, मुझे कबाब में हड्डी मत समझो, मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। चल हट। हे शनाया, तू पिछले 5 साल से उसे प्यार करती है ना, तो 5 साल में तुम लोगों में कुछ नहीं हुआ? तू क्या पूछना चाहती है, मैं समझ गई, अब चुप हो जा। अच्छा तू नहीं बताएगी, तेरा नाइट का प्रोग्राम तो तेरे लेटर ने खुद ही बता दिया। अब तू ये सब बात मत कर प्लीज। ओके, तू तो बचपन में बहुत सारे कीचेन्स की कलेक्शन करती थी ना, अभी भी ऐसा कोई शौक है क्या? नहीं ऐश्वर्या, अब सब कुछ छोड़ के एक ही सिलेक्शन है और एक ही कलेक्शन है, वो है संतोष। अच्छा यार मैं समझ गई, तो बिना काम के अपने पति की तारीफ मत कर। अच्छा एक बात बता, मैं अपने पति की बात कर रही हूँ तो तुझे जलन क्यों हो रही है? मुझे जलन नहीं हो रही है, बस मैं सोच रही हूँ कि तू पागल हो गई है क्या, तू अगर खुश रहेगी तो मुझे भी संतोष मिलेगा। ए, तू मेरे पति का नाम क्यों ले रही है? मैंने उसका नाम कब लिया? अभी तूने बोला ना संतोष मिलेगा। अरे पापी, तुझे समझाने में मुश्किल होगी। मुश्किल है, मुझे क्या मुश्किल होगी? अरे मेरी माँ, अब मुझे छोड़ दे, तू जीत गई, ठीक है, इससे ज्यादा मैं नहीं लड़ सकती। ऐश्वर्या। हाय शनाया, आओ आओ, मैं रेडी हो गई हूँ। ये टीका कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा। अब ये तू ऐसे ही बहुत सुंदर है, अब चल। ए ऐश्वर्या, तू स्कूल में पढ़ती थी तब भरतनाट्यम भी सीखती थी ना, अभी याद है या भूल गई? अब तू उसकी याद मत दिला। आ ए, क्या हुआ? स्कूल खत्म होने के बाद मैंने डांस सीखा, स्टेज तक भी पहुंच गई थी। उसके बाद? उसके बाद का मत पूछ यार। क्यों? सुबह सुबह का अच्छा मूड खराब हो जाएगा, और कोई काम है तो चल वो करते हैं। कोई बात नहीं, अब एक ही काम, डांस। मुझे भरतनाट्यम छोड़े हुए बहुत साल हो गए। ए, आखिर हुआ क्या? तू मेरे पिताजी को तो जानती ही है, वो बहुत जिद्दी थे। मेरी माँ हमेशा मेरा सपोर्ट करती थी, मेरे भाई का एक क्लोज फ्रेंड था, उससे मेरी शादी की बात हुई, मेरे पिताजी उस शादी के लिए मान गए। शादी के बाद मैं उनके साथ मलेशिया आ गई, पहले उनको ये सब बात अच्छी लगती थी, पर धीरे धीरे उनका ईगो जाग गया, उन्होंने मना कर दिया और मैंने डांस छोड़ दी। कैसी बातें कर रही है तू, कौन है वो? पति ऐसे ही होते हैं। अरे यार मैं तो कुछ और ही समझ बैठी थी, मुझे माफ करना। हम उनकी इज्जत करते हैं पर उन्हें हमारी खुशी की थोड़ी भी परवाह नहीं होती, सारे मर्द एक जैसे होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। शादी से पहले एक चेहरा होता है और शादी के बाद दूसरा, वो सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचते हैं। तेरा पति भी ऐसा ही होगा। ए, तू सिर्फ अपने पति की बात कर, सारे मर्दों पे इल्जाम क्यों लगा रही है? मेरे पति में तूने कोई गलती देखी है क्या? आगे आगे देखेगी। देख ऐश्वर्या, मेरे पैदा होते ही मेरे पिताजी चले गए और जब मैं 6 साल की हुई तब माँ चली गई, मेरा तो कोई भाई बहन भी नहीं है। ये सब तो मैं जानती हूँ यार। पिताजी या भाई होते तो शायद मैं मर्दों के बारे में जानती, मैं उनके बिना ही बड़ी हुई हूँ, वो कैसे होते हैं मैं जानती ही नहीं, तो दुनिया में सारे मर्द एक से होते हैं ये मैं कैसे समझ पाऊंगी? शरण्या ये तेरा अनुभव है पर मेरा अनुभव तेरे से अलग है। तू अपना अनुभव अपने पास ही रख, दोबारा ये मत कहना कि मेरा पति औरों के जैसा है। अब तू पागलों की तरह बात मत कर, तू प्रैक्टिकल बात कर रही है क्या? तुझे भी लाइफ में बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा, अभी पता नहीं इसलिए ऐसा बोल रही है। क्या हो गया रे? ए!
प्लीज यार मेरे लिए डांस कर। मुझे बहुत अच्छा लगा ऐश्वर्या। वो क्या? आज तूने मेरे लिए डांस किया ना? मुझे तुझे थैंक्स कहना चाहिए। आज मैंने तेरी खुशी के लिए डांस किया, पर नहीं लगा कि डांस कर पाऊंगी। तेरे इतने सपोर्ट करने के बाद ही मैं डांस कर पाई। अब तू जो बोलेगी मैं वो करूंगी। ऐसा क्या? तू मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। क्या करना है बस तू बोल। तो फिर आज से 40-50 साल के बाद जब मेरे बच्चे हो जाएंगे तब संतोष कैसा होगा? चल ये बता। इसके लिए कॉलेज जाकर पढ़ना जरूरी है क्या? जैसे ही पहला बच्चा होगा वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, और जब दूसरा पैदा होगा तब वो तुझ पर ध्यान नहीं देगा। तू भी जाने दो कहकर छोड़ देगी, फिर उसे पीने की आदत पड़ जाएगी, 40 साल में दूसरी वाइफ, और फिर वो तुझे छोड़ देगा। पता नहीं तेरा क्या होगा, तुम दोनों का केस फाइल होगा, कोर्ट कचहरी का मैटर लंबा चलेगा। मुझे तेरे बारे में सोचकर बहुत दुख हो रहा है। जस्ट स्टॉप इट ऐश्वर्या। क्यों, क्या हो गया? तू ही तो सुनना चाहती थी तो बता रही हूँ। जो तू मर्दों को जज कर रही है, अगर तू गलत है मैंने साबित किया, तू मानेगी? तू क्यों फालतू में आर्गुमेंट कर रही है? तूने शुरू की थी, खत्म मैं करूंगी। तू क्या करेगी? वेट एंड सी। शरण्या, आज शूटिंग में बहुत ज्यादा काम था। I'm so tired. Oh. मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। खाना नहीं खाओगे क्या? नहीं, मैंने खा लिया है। ओके। कल सुबह तुम्हें कितने बजे जगाऊं? अर्ली मॉर्निंग उठा सकती हो? ओके। 5 बजे? ओके। गुड नाइट। गुड नाइट। प्लीज सरन्या, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है।
गुड नाइट। संतोष के साथ मलेशिया क्यों आई? मैंने ऐश्वर्या को क्यों बुलाया? वो और मर्दों की तरह मेरे संतोष को भी जज कर रही है। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शरण्या, 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 क्या हो गया रे? शरण्या एक मिनट। क्या है बोलो। मैं रात भर सोच रही थी। तुमने मेरा चैन छीन लिया और अब आराम से सो रही हो? ऐसा नहीं है शरण्या, मैं तुम्हारी सिचुएशन नहीं जानती इसलिए सब। क्या मतलब? जो तुम बोल रही हो वो सच है और जो मैं बोल रही हूँ वो झूठ हो गया? तुम बहुत बड़ी न्याय की मूर्ति हो क्या? अब देखना, मैंने अपने पति को एक गलत लव लेटर लिख के आज उसे खुद ही कोरियर भी किया है। ओके। हे शरण्या, तुम ये पागलपंती वाली काम कर रही हो। मेरी बात सही है या तेरा एक्सपीरियंस सही है ये वो लव लेटर ही बताएगा। हे शरण्या, हे शरण्या, एक मिनट इधर तो आ। आखिर मैंने गलती क्या की? तू रात भर से मुझसे बात नहीं कर रही है। दोस्ती चाहे जितनी भी बड़ी हो वो पति के सामने हमेशा छोटी ही रहेगी, ये बात याद रखनी चाहिए। बस इतनी सी बात है तो इस बात की टेंशन मत ले। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, हंसने की जरूरत नहीं है। क्या अच्छा है क्या बुरा है ये अपने अपने नजरिए में होता है शरण्या। नजरिया क्या है वो मैं नहीं जानती, मेरे लिए सिर्फ मेरा पति ही है, बहुत है। पहले मैं भी ऐसी थी, 5 साल तक मेरे माँ बाप भी मेरे साथ थे और आगे 10 साल मेरा भाई मेरे साथ था। पढ़ाई की उम्र में तेरे जैसे दोस्त मेरे साथ थे और शादी के बाद मैंने सोचा मेरा पति मेरे साथ रहेगा, लेकिन उसके लिए तो बहुत सारी साथियां हैं, मेरे लिए उसके पास टाइम ही नहीं है। अब मेरे साथी उसके माँ बाप हैं, तेरे पास तो कोई भी नहीं है शरण्या। अभी मैं जो बुक पढ़ रही हूँ उसका नाम जानती है? हस्बैंड इज डेंजरस एनिमल। हाँ तो कोई आदमी अगर जानवर बन गया तो तू क्या सारे पतियों पे इल्जाम लगा देगी? हाँ चैलेंज है तुझे, मेरा पति अच्छा इंसान है ये मैं प्रूव करके दिखाऊंगी तुझे। हस्बैंड इज गॉड किसी बुक में नहीं मिलेगा, मेरे पति से सीख ले। बुक पढ़ती है। लाओ। ऐश्वर्या। ओके। ये किसका लेटर है? शरण्या, हमारे बीच में जो भी बात हुई थी वो हम भूल जाते हैं यार,
तू अपनी लाइफ रिस्क में क्यों डाल रही है? तू चुप हो जा, ये मेरी लाइफ का प्रॉब्लम है, चैलेंज है तो पूरा कर। मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी, मैं इस चैलेंज से कभी पीछे नहीं हटूंगी। तूने ही ये प्रॉब्लम स्टार्ट की है ना? सब कुछ ओके है, जो तू बोल रही है मैं सब मानती हूँ, लेकिन तू मुझे बता संतोष को, I'm sorry, दूसरी बार तूने उसे कुरियर क्यों किया? मैंने कुछ स्ट्रॉन्ग लिख दिया है। अब तुम्हारी किस्मत कौन बदलेगा? मेरा संतोष ही बदलेगा। संतोष संतोष संतोष, अच्छा ऐसा क्या अच्छा लगा तुझे संतोष में? तू कुछ नहीं जानती, ना ही तू कुछ समझती है। मेरी जिंदगी की हर चीज बस संतोष ही है, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। एक्सक्यूज मी, या मिस्टर संतोष? यस, यू हैव अ कुरियर, साइन हियर। ओके, थैंक यू। सरन्या, मेरी शूट का टाइम हो रहा है, मैं निकल रहा हूँ। संतोष एक मिनट रुको। कौन सा लेटर पॉकेट में रखा तुमने? वो तुम्हारे काम का नहीं है। संतोष मुझे देख के बात करो, कुछ पूछ रही हूँ। सरन्या मेरी शूट का टाइम हो रहा है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। नहीं मुझे अभी जाना है, तुम क्या छुपा रहे हो? प्लीज सरन्या मेरी हालत समझने की कोशिश करो, क्या पागलों की तरह बात कर रही हो? हम कल चेन्नई जाके बात करेंगे ना। मलेशिया में प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, मलेशिया में ही खत्म होगा। ये क्या बकवास कर रही हो, तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ मैं सच में पागल हो गई हूँ। कल भी एक लेटर आया था, आज भी एक लेटर आया, तुमने पढ़ने के बाद क्या किया ये बताओ मुझे, उसके बाद ही तुम जा सकते हो। अरे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, और तुम्हें के ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रही हो। हाँ मैं ऑर्डर दिए जा रही हूँ, तुम सच्चे हो प्रूव करके दिखाओ। फोन को छोड़ो। सरन्या 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 क्या हुआ? सरन्या ए सरन्या, सरन्या सरन्या इधर देखो, सरन्या सरन्या ए सरन्या, आर यू ओके? सरन्या क्या हो गया तुम्हें? सरन्या सरन्या ए, आखिर तुम इस पर हाथ कैसे उठा सकते हो? तुम सबसे पहले इस घर से निकल जाओ। पहले बताओ इसे क्यों मारा? मैंने इसे मारा, इसने मुझे मारा, इसे तुम्हें क्या मतलब? ये हमारा पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर क्या है ये रहने दो, लेकिन गेट लॉस्ट। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन शरण्या के उठने के बाद मैं उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता कर जाऊंगी। क्या जानती हो तुम मेरे बारे में? हा? हा? गेट आउट, निकलो यहाँ से। बढ़िया ही इंसाफ करने वाली। सरन्या सरन्या क्या? सरन्या जानती हो मैं कितना डर गया था, तुम्हें फिट्स आती है तुमने बताया क्यों नहीं? अच्छा क्या तुम मुझे पहचानती नहीं, या मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूँ? हे शादी होने के बाद मैं बदल जाऊंगा सोच रही हूँ। अच्छा शूटिंग में बहुत बिजी रहने की वजह से मैं तुम्हें भूल जाऊंगा सोच रही हूँ? अभी तो मेरा प्यार और भी बढ़ता जा रहा है। मुझसे गलती हो गई। वो ऐश्वर्या कहाँ है? वो तो कब की यहाँ से निकल गई। ठीक है तुम अभी रेस्ट कर लो, मैं शूटिंग पे जाके आता हूँ, तुम्हें अच्छे से रिलीफ मिल जाएगा। संतोष ओके बाय। संतोष आज मत जाओ ना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ओके बाय संतोष। हे क्या हो गया तुम्हें? संतोष आज मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हें शूटिंग पे जाना जरूरी है क्या? हाँ सरन्या मेरा जाना जरूरी है। आज मत जाओ। हे सबको टाइम दे दिया है, रोज रोज शूटिंग पे जाना जरूरी है क्या? प्लीज। रुक जाओ ना संतोष, प्लीज प्लीज बोल रही हूँ ना, प्लीज बाय। हाथ छोड़ो ना।
सर सारे शॉट्स अच्छे आने चाहिए, देखो ये ज्वेलरी की एड है। ओके ओके सर। सर फ्रेम ओके है, आप देख लीजिए। ओके डायरेक्टर साहब, आर्टिस्ट को मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, वो आने के लिए पता नहीं क्यों रेडी नहीं हो रही है। शॉट रेडी है बोला उनसे? बोला सर, फिर भी वो इतना टाइम ले रही है। सर ओके है ना, आपने चेक कर लिया? सर आप मुझे टेंशन मत दीजिए, एक तो आर्टिस्ट अंदर रेडी नहीं हो रही है और आप भी ना। ये शॉट आप ले लीजिए। हाँ आपका ओके है? एक्सक्यूज मी। हेलो, यहां तो कोई भी नहीं है। हेलो संतोष। माया? यस। यस। आर्टिस्ट कहाँ है? मैं तुम्हें आर्टिस्ट नहीं लग रही हूँ क्या संतोष? मजाक मत करो। तुम इतनी सी बात नहीं समझते क्या? मैं तुम्हें इतने साल से फॉलो क्यों कर रही हूँ? स्टॉप इट, शूटिंग का टाइम हो चुका है। मैं आऊंगी तब ना। अच्छा इसीलिए बॉस ने बोला था कि वो आखिर में स्पॉट पर पहुंचेंगे? डैडी ने ऐसा कहा क्या? डैडी कौन? अभी इसी वक्त मैं ये शूटिंग कैंसिल करता हूँ। क्या क्या कैंसिल करोगे संतोष? इस ज्वेलरी एड के लिए तुमने एडवांस लिया है, और इतना ही नहीं तुम्हारी पत्नी को तुमने जो गिफ्ट में चेन दी है ना, वो भी मैंने दी है। तुम्हारा मलेशिया में आना, यहाँ पर 2 दिन रुकना, ये सब मैंने प्लान किया है तुम्हारे मैनेजर वेंकट से मिलके। सो टोटली तुम मेरे गुलाम हो, समझे? अच्छा क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारा प्यार चाहिए, वो भी आज ही चाहिए। मेरी शादी हो चुकी है जानती हो ना? जानती हूँ, इसीलिए तो बुलाया। तो भी तुम्हें शर्म नहीं आती? छी, शर्म तुम्हें या मुझे आनी चाहिए? कॉलेज खत्म होते ही बिना बोले चले गए, तब मेरे बारे में थोड़ा सा भी सोचा? वन साइड लव हो तो ऐसे ही झेलना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, आज तुम पूरा दिन मेरे साथ स्टे करोगे, ठीक है ना? ये इतनी आसानी से जाने नहीं देगी, कुछ तो प्लान करना ही पड़ेगा। ऐसे क्या देख रहे हो संतोष, तुम्हारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है? आज तुम मेरी गिरफ्त में हो, और क्या बोलोगे? बोलो। इससे बचने के लिए अभी हाँ कर देता हूँ। ओके। प्रॉमिस? हाँ सर बताइए, सब कुछ बता दिया ना? हाँ बता दिया। अच्छा मैं कुछ और सोच रहा था, मुझे 3 शॉट्स चाहिए। पहले तो ये इस नेकलेस को इस तरह से पकड़ेंगे। ये वाला? नहीं नहीं नेकलेस नहीं, ये मॉडल, ठीक है? ये एक हो गया। अच्छा आप टर्न दिस साइड, नेकलेस से ये मतलब इयर रिंग से ऐसे पैनिंग शॉट जाएगा। पैनिंग शॉट, हाँ नीचे आना, ठीक है? आप वहाँ जाइए, आप आइए, कम दिस आइए। ये इस तरह ओवरलैप में खड़ी रहेंगी और फिर हंसकर एक प्रोफाइल देगी। ओके ओके, दिखने में अच्छा लगेगा। ओके तो चलिए करते हैं, आइए हम रिहर्सल। हाँ ठीक है सर, शॉट रेडी है ना? रेडी सर। एक बार करें। अच्छा दिखा, 1 2। आप उनकी आंखों में देखिए, स्माइल कीजिए। 1 2 एंड। संतोष मैं रेडी हूँ। ओके आप अंदर वेट कीजिए, शॉट आएगा तो बुलाऊंगा। ओके डोंट माइंड। इनकी सेटिंग करो। ओके सर। सर इन्हें बीच में खड़े रहकर टर्न करने के लिए बोलिए। ओके सर। ओके समझ गए। मैम मास्टर इससे कहो ये मुझे समझाएगा। सर आप ही बताइए। सेंटर में खड़ी होकर पूरा टर्न हो जाना और फिर कैमरे को लुक देना। ओके ओके। हे माया बी सीरियस, दिस इज वर्क। ओके मैं तो सीरियस ही हूँ। हाँ लाइट ओके है। भाई छोड़िए ना, ये सब अच्छा है। ओके भाई टाइम हो रहा है, जाओ ना यार। थोड़ा वेट करो संतोष। रेडी रेडी? हाँ चलो टेक करते हैं। सर कैमरा रेडी है ना? रेडी है सर।
कट इट शॉर्ट ओके ठीक है पैक अप ओके 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 बाय थैंक यू सर इसने इतनी जल्दी पैकअप क्यों कर लिया कहीं ये पलटी तो नहीं मार जाएगा चाबी कहाँ चली गई ये दरवाजा भी खुला हुआ है संतोष तुम भाग जाओगे ये मैं अच्छी तरह से जानती थी इसलिए तुम्हारे असिस्टेंट से चाबी लेकर मैं अंदर बैठ गई प्लीज माया अर्जेंटली मुझे एक जगह जाना है तुम्हारे साथ विजुअल कम्युनिकेशन कंप्लीट करते ही मैं तुम्हें पहचान चुकी हूँ आई नो यू आर बेटर संतोष दो दिन का काम एक दिन में कंप्लीट करके पैकअप कर दिया था तभी मैं समझ गई थी दाल में कुछ काला है माया मैं तारीफ के लिए धन्यवाद देता हूँ पहले मुझे मेरी चाबी दो पहले तुमने जो वादा किया है उसे कंप्लीट करो तभी मैं भी चाबी के बारे में सोचूंगी संतोष तुम उस सीट पर बैठो ये मेरा गेस्ट हाउस है माया प्लीज चाबी दो नो माया नो मेरी बात मानो माया माया मजाक मत करो माया क्या कर रही हो आओ संतोष अरे माया हे माया ऐसे सताना अच्छी बात नहीं है माया 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 तुम्हारे मुंह से मेरा नाम कितना अच्छा लग रहा है ना जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी मैं चाहती थी तुम मेरा नाम ऐसे ही पुकारो अब कैसे समझाऊं तुम्हें क्या समझाओगे हाँ पहले चुपचाप बैठ जाओ तुम बिल्कुल नहीं बदले संतोष उस समय भी तुम मुझे नहीं समझ पाए और आज भी नहीं समझना चाहते क्या नहीं समझना चाहता बताओ ना यही कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया और आज मैं तुम्हें पूरा पूरा यूज करूंगी ये तुम क्या बक रही हो अब वो दिन बदल गए संतोष जब मैं तुम्हारे पीछे पागलों की तरह घूमती थी ओफो तुम्हें क्या चाहिए बताओ तो आई लव यू कहो ये नहीं होगा मैं शादीशुदा हूँ संतोष तुम्हें नहीं दिख रहा क्या सिल्क की साड़ी पहन के फूल लगा के दुल्हन की तरह सज के आई हूँ तुम्हें नहीं दिख रहा या तुम देखना ही नहीं चाहते ये मुझे पसंद नहीं है मुझे जाने दो क्या पसंद नहीं लड़की पसंद नहीं या मैं पसंद नहीं मैं तुम्हारे ख्यालों में इतने सालों तक तड़पी हूँ अब मैं सह नहीं सकती ए, 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 मेरी वाइफ है घर पे उससे मुझे कोई लेना देना नहीं जी। और तुम भी उसकी कोई चिंता मत करो चलो सीधा ऊपर आ जाओ संतोष चाबी को मैंने छुपा दिया है अगर चाबी लेना चाहते हो तो मुझे जी भर के देखो इस तरह क्या हुआ तुम्हें मेरे ये जेवर उतारने चाहिए और मुझे तुम्हारे कपड़े अब सोचने की कोई जरूरत नहीं संतोष आओ शुरू हो जाओ Thank you.
आइंदा से मेरी जिंदगी में कभी मत आना। क्यों, अगर एक लड़की चाहेगी तो हमें कैसे भी नचा सकती है क्या? उसके लिए दिल मजबूत होना चाहिए, ये सब तो कुछ भी नहीं है। संतोष, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे लिए पागल हूँ। तुम्हारे कॉलेज के हर फोटोज को मैंने संभाल के रखे हैं। मैं तुम्हारे ख्यालों के सहारे जी रही हूँ। प्लीज संतोष, प्लीज। हे, सबसे पहले मेरा प्रोफेशन और उसके बाद मेरी वाइफ और कुछ नहीं, आया समझ में? गुड बाय। छोड़ के गया ना, तू कभी खुश नहीं रहेगा, तू ठीक से जी नहीं पाएगा, तब तुझे मेरा दुख समझ आएगा। अगर जिंदगी में दोबारा तू दिखा ना, तो अपने हाथों से तुझे मार दूंगी। संतोष, सरन्या, 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 सरन्या क्या हुआ? सरन्या, 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 सरन्या मेरी तरफ देखो ना। सरन्या, सरन्या, ये क्या हो गया? सरन्या, 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 देखो ना, सरन्या, सरन्या देखो मैं आ गया हूँ, आगे खोलो ना। सरन्या, आगे खोलो। ओह नो, सरन्या क्या हुआ? सरन्या, 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 क्या हो गया तुझे यार? सरन्या उठ। सरन्या, सरन्या, अरे पापी, इसे मार दिया। मैंने नहीं, मैंने नहीं मारा, मैंने कुछ नहीं किया। अब तुम मुझसे झूठ मत बोलो, मैं आप ही पुलिस को फोन करती हूँ, तुझे जेल भिजवा कर ही मारूंगी। ऐश्वर्या रुको, रुको तो सही। नहीं, क्या डर लग रहा है? पुलिस का नाम सुनते ही डर लग गया? तुम गुनेगार हो, जेल जाओगे, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। पता नहीं उसने तुम्हारे अंदर क्या देखकर शादी कर ली। तुम्हारे लिए वो पागल सारे मर्दों को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन तुमने क्या किया, उसे मार ही दिया, वो भी इतनी बेरहमी से। तुम्हारा चेहरा देखकर ही शर्म आ रही है। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, अभी पुलिस को फोन करती हूं। मैंने सरन्या को नहीं मारा, सरन्या की मौत में बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहा हूँ। उसे क्या हो गया यह मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। प्लीज मुझ पर यकीन करो ऐश्वर्या। ये कहानी ना किसी एड में बनाना, वही अच्छा लगेगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। चल हट यहाँ से। ऐश्वर्या, मेरी बात तो मानो, फोन मत करो। हट, छोड़ो। देखा, आ गया ना अपनी औकात पर, अब मुझे भी मारना चाहता है। नहीं ऐश्वर्या, वो तो आजकल हनीमून ट्रिप पर कत्ल करने का फैशन हो गया है।
एक का कत्ल कर दिया तो दूसरी मिलेगी, फिर दूसरे का कर दिया तो तीसरी मिलेगी। देखो, आप मुझे मैं मार दे। नहीं हूं। तूने एक मासूम लड़की को मारा है। ऐश्वर्या चुप हो जाओ, जो मुंह में आए कह रही हो। देखो मेरे हाथ से कुछ हो जाएगा, उससे पहले यहाँ से निकल जाओ। लेकिन अगर पुलिस के पास गई ना? क्यों, धमकी दे रहा है? ऐश्वर्या तुम सिचुएशन को समझो। मुझे डरा रहा है? शरण्या समझाए क्या? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ऐश्वर्या, प्लीज ऐश्वर्या, दया करके मेरी हालत को समझो। मैं अपने प्रोफेशन में बहुत बड़ा बनना चाहता हूँ। शरण्या, शरण्या, अपनी दोस्त को समझाओ। शाबाश, बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। इस बार का अवार्ड तुझे ही मिलेगा। जो लड़की मर चुकी है उससे बात कर रहा है। अब तुझे कैसे सजा दिलानी है वो मैं जानती हूँ। अब मलेशिया की जेल में खाना खाकर सोचना। ऐश्वर्या रुको, ए, मेरी बात मानो प्लीज। सुनो तो सही, सुनो ऐश्वर्या, नहीं रुक जाओ ऐश्वर्या, मेरी बात मानो। सुनो, डोंट टच। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। नहीं ऐश्वर्या, पुलिस को फोन मत करना। देखो इस तरह मेरी लाइफ से मत खेलना ऐश्वर्या, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सुनो ऐश्वर्या, प्लीज ऐसे मत करना। नहीं ऐश्वर्या, दो रहो मुझसे। फोन दो, फोन दो ऐश्वर्या, दो रहो मुझसे। मेरी बात मानो ऐश्वर्या, फोन दो या नहीं ऐश्वर्या, फोन दो ऐश्वर्या, सुनो ऐश्वर्या। ऐश्वर्या, 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 Oh,
आप कौन? संतोष जी। हाँ कैसे हो दामाद जी, मैं पहली बार बात कर रही हूँ। तुम्हारा हनीमून ट्रिप कैसे चल रहा है? कौन है आप? क्या दामाद जी, शरण ने बताया नहीं क्या? कल रात हमारी बहुत देर तक बात होती रही। मैं ऑस्ट्रेलिया में बेटे के पास रहती हूँ। शादी के बाद ही तुम लोगों को प्रोजेक्ट मिल गया तो तुम लोग मलेशिया चले गए, लेकिन शरण्या तो नहीं जाना चाहती थी ना। तुम सुन रहे हो ना? कहिए ना। अच्छा ठीक है, शरण्या से बात तो करवाओ। हेलो, पहले ये तो बताइए कि आप कौन है? मैं शरण्या की चाची हूँ। चाची? हाँ दामाद जी, बचपन में ही उसके माँ बाप मर गए थे, मैंने ही उसे पाला है। उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया चली गई अपने बेटे के पास। लास्ट वीक मैं VIP मैरिज कलेक्शन देख रही थी, शरण्या का फोटो वहाँ पे देखा। शरण्या के साथ तुम्हारी भी फोटो वहाँ पे थी। चेन्नई से मैंने कॉन्टेक्ट नंबर लिया, वहीं से पता चला कि तुम लोग मलेशिया में हो। मैं तुम्हारे ही घर पे आ रही। क्या कहा? मेरे घर पे? नहीं अभी बिल्कुल नहीं। क्या हुआ दामाद जी, मुझे आने से मना क्यों कर रहे हो? आज मेरी नाइट शूट है, इसलिए मुझे अभी निकलना ही पड़ेगा। शरण्या नहीं, वो फ्रेंड के घर पे गई है। बोल रहे हो, मलेशिया में उसकी फ्रेंड्स है? जी हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, आप कल आइए ना। इतना टाइम नहीं है दामाद जी, मैं तो यहाँ आ चुकी हूँ। आ गई क्या? हेलो 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 हेलो, संतोष? आइए। ठीक है दामाद जी, आप शूटिंग पे चले जाओ, मैं इंतजार कर लूंगी। जी नहीं, वो क्या हुआ दामाद जी, ऐसे क्यों बोल रहे हो? एक मिनट, आप वहां मत जाइए। क्या हुआ दामाद जी, मुझे रोक क्यों रहे हो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सासुमा किचन में। ओके दामाद जी, ये सारी बातें इंडिया में होती है, यहाँ कहाँ? अच्छा, शरण्या का रूम यहाँ कहाँ है? ये शरण्या का बेडरूम है। नहीं, आप जरा रुकिए रुकिए, आप बैठिए ना, मैं जाकर दूध लेके आता हूँ। ओह, शरण्या की तबीयत खराब है क्या? शरण्या? जी हाँ। नहीं दामाद जी, क्या बात है? आप बैठिए ना, मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ, बैठिए। शरण्या ने घर बहुत क्लीन रखा है। आप दूध पी के ऊपर जाके आराम कीजिए, मैं शूटिंग खत्म करके सुबह मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये सूटकेस अंदर लेके जाओ। नहीं नहीं, यहाँ रहने दीजिए, नो प्रॉब्लम। ओके दामाद जी। चलो इसको तो संभाल लिया। दामाद जी, मुझे बेहोशी की दवा देकर खुद कहाँ जा रहे हो? कौन है ये? ये मेरी ऑफिस में काम करने वाली लड़की है। यहाँ पे क्या करने आई थी? मेरी मदद करने के लिए। इसके साथ क्या हुआ है? जी
बताओ मुझे, नहीं तो मुझे पुलिस को फोन करना पड़ेगा। एक मिनट, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये लड़की एक क्लासिकल डांसर है। मैं मलेशिया में शूटिंग के लिए आया हूँ ये जानकर ये चांस मांगने के लिए एक बार शूटिंग स्पॉट पर आई थी, लेकिन मैंने घर आने के लिए कहा था। सरन्या घर पर नहीं है ये जानकर हम दोनों एंजॉय करेंगे ऐसा इसने कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया। इसी बात पर हमारी थोड़ी सी हाथापाई हो गई और ये ऊपर से नीचे फिसल कर गिर गई और मर गई बेचारी। कल सुबह सरन्या आ रही है, किसी भी तरह बॉडी को छुपाने के लिए मैं प्लान कर रहा था, तब तक आप यहाँ पर आ गई। कोई एड का कॉन्सेप्ट है क्या? स्टोरी बहुत अच्छी है दामाद जी। प्लीज मुझ पे भरोसा कीजिए, अभी जितना टाइम बर्बाद करूंगा मेरी लाइफ उतनी स्पॉइल होगी। आप अपनी बेटी से मिलने इतने सालों बाद आई हो, अगर अपने दामाद को जेल में देखना चाहती हो तो आपकी मर्जी, मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये क्या दामाद जी, गलती तो तुमने ही की है ना? जी हाँ, गलती मैंने की है, लेकिन इसका नुकसान आपकी बेटी को भी होगा। अच्छा तुम करना क्या चाहते हो? इस बॉडी को डिस्पोज करना है, या तो आप मेरी मदद कीजिए वरना चुपचाप वहाँ कोने में बैठी रहो। अच्छा ब्लैकमेल कर रहे हो? देखो अभी पानी सर से ऊपर जा रहा है। ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगी, लेकिन इससे पहले मैं अपनी बेटी को देखूंगी। वो तो कल आ ही रही है। ठीक है तो अभी क्या करना है? अभी इस बॉडी को डिस्पोज करना चाहिए। आप इतनी बड़ी बॉडी कैसे ले जाएंगे? अरे बाप रे, तो आपके सूटकेस में रखकर ले जाएं क्या? चलिए कम ऑन। आप यहाँ पर वेट कीजिए, मैं जाके देख के आता हूँ। ठीक है, ठीक है। देखिए मैं अंदर जाके सिक्योरिटी को उलझाने की कोशिश करता हूँ, और आप तब तक ये बैग सीमेंट्री के पास छुपा देना। ठीक है मैं कर लेती हूँ। हाँ। सिक्योरिटी जरा एक मिनट इधर आइए। अरे सर 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 देखिए तो सर, अरे अरे कहाँ जा रहे हैं सर लेडीज, अरे कौन है सर, मुझे आप देखने पड़ेगा। छोड़िए मुझे, देखने दीजिए कौन है। एक बार कहा तो सुनाई नहीं देता। अरे आप रुके सर, मैं देख के आता हूँ कौन है उधर। सुन प्लीज।
हेलो। हाँ माँ। हेलो गणेश। हाँ माँ बोलो माँ। गणेश मैं शरण से मिलने मलेशिया आई थी, वो यहाँ पे नहीं है। कहाँ है? मैं तुरंत ऑस्ट्रेलिया आना चाहती हूँ बेटा। क्या बात कर रही हो माँ, अभी तो तुम वहाँ पहुँची हो, आखिर हो क्या गया? अरे गणेश मेरी बात मान, मैं आ रही हूँ, मैं जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया आना चाहती हूँ बेटा। ठीक है माँ, फ्रेंड को फोन करता हूँ। तू मेरा टिकट निकाल दे बेटा। टिकट आपको एयरपोर्ट में मिल जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अपने फ्रेंड को बोलता हूँ। कौन सा फ्रेंड बेटा? हेलो हेलो, अरे बापरे कट कर दिया। ये फोन किसका है? हेलो माँ, मैं अंकित का दोस्त बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, आपको कोई दिक्कत है तो हमें बताइए ना, आपका बेटा हमारा दोस्त है। माँ माँ जी बोलिए ना, अंकित हमारा दोस्त है। हाँ बोलो बेटा, मैं कहाँ हूँ बेटा? मैंने टिकट निकाल दिया है, आप एयरपोर्ट पहुँचिए। हाँ ओके बेटा, मैं तुरंत आती हूँ। मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने कुछ नहीं किया था माँ जी, ये मेरे बेटे ने फोन किया था। लेकिन पुलिस वालों को कॉल क्यों किया? नहीं मैंने उन्हें फोन नहीं किया था। अरे कितना झूठ बोलोगी, उसका फ्रेंड है बेटा, उसी ने सामने से फोन किया, उसने मुझे एयरपोर्ट बुलाया है। तुमने पुलिस को कॉल किया था या नहीं? नहीं नहीं दामा जी। मतलब पुलिस को कॉल नहीं किया था? नहीं दामा जी मैंने नहीं किया था। दामा जी नहीं नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, अब मैं पुलिस को भला कैसे समझाऊंगा। अब वाइफ की बॉडी को डिस्पोज करना है और मैं तुरंत चेन्नई के लिए निकल जाऊंगा, और कोई रास्ता नहीं है, इसे यहीं पर छोड़ के भाग जाता हूं। क्या प्रॉब्लम है दामा जी? दामा जी क्यों दामा जी ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या हुआ दामा जी? अरे मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो दामा जी? दामा जी दामा जी ये क्या? अरे दामा जी, अरे अरे दामा जी मुझे छोड़ के मत जाइए। दामा जी, दामा जी रुको रुको दामा जी। पुलिस, सिक्योरिटी कम ऑन। यस सर। टैग निकाल के दो। हाँ सर जल्दी। जी सर। दिस इज दीप्ति, चेन्नई टू मलेशिया, मतलब ये लोग इंडिया से आए हैं, मुझे इनकी पूरी जानकारी चाहिए, मोबाइल नंबर भी है। ऑफिसर पता करो ये कौन से होटल में रुके थे, और मैं ये टैग लेकर एयरपोर्ट जाता हूँ, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। एयरपोर्ट चलो। सही
तुम मलेशिया आने से मना कर रही थी लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। नंबर फोर जलन कास्टिंग पटालिन जया मलेशिया। एड्रेस करेक्ट है। संतोष 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 लगता है जंप करके अंदर जाना पड़ेगा। I am Sarvanan. My pet name is Sarav. You're Mr. Santosh. Am I correct? Yes. By the way, तुम्हारी वाइफ का नाम सरन्या है, correct? Mm. And you are a ad film maker. I mean, सपने बेचते हो. Hey, कौन हो तुम? और क्या चाहिए तुम्हें? My wife name is ऐश्वर्या। एक हफ्ते से तुम्हारे पास ही रुकी है। मैं नहीं जानता। मैं जानता हूँ। तुमने तो कभी मुझे देखा ही नहीं है। अपनी वाइफ सरन्या को बुलाओ। ए, कौन है तू? मेरी वाइफ को बुलाने के लिए कह रहा है? चल जाए यहाँ से, निकल। Wait, 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 wait. Address correct? Name is correct? जब सब कुछ करेक्ट है तो इतना घबरा के क्यों बात कर रहे हो? ए, क्या नया नया टॉपिक खड़ा कर रहा है तू? नया नहीं है संतोष, पुराना है, बहुत पुराना। ऐश्वर्या का हस्बैंड हूँ। ए, गलत एड्रेस पर आकर मेरी जान क्यों खा रहा है? ऐसा है क्या सरन्या? ए सरन्या, ए, एक बार मना करने के बाद भी तू मेरी वाइफ का नाम पुकार रहा है? ओके कूल, अपनी वाइफ को बुलाऊं। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, ए, तेरी वाइफ यहाँ नहीं है। अब तू फंस गया। लेकिन संतोष, तुम एक्टिंग अच्छी करते हो। ए, मैंने ना बोला ना, चल निकल यहाँ से, चल जा। अब बहुत हो गया संतोष, वो अगर मिली ना तो तुझे मलेशिया की जेल में डाल दूंगा। ए, चल जा यहाँ से। अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के बाद वो लोग तुझसे निपट ही लेंगे। जा जाके कंप्लेंट कर, जा जा। अपने घर में है इसलिए नाटक कर रहा है। रिंग तो यहीं बज रहा है। हे, ये तो मेरी वाइफ का सेलफोन है, यहाँ पे कैसे आया? वो कहाँ पे? बोल। इंफॉर्मेशन काउंटर कहाँ है? थैंक यू। Three, four, three, three, four.
तो बटालियन छाया, ओके, कम ऑन। अब समझा मैं कौन हूं। यू आर फिनिश्ड। संतोष 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 उठ जाओ। संतोष संतोष तुम्हें बहुत आगे बढ़ना है, तुम्हें अपना सपना पूरा करना है, तुम्हें उठना ही होगा। संतोष संतोष शर्मिया शर्मिया अरे ये तो अभी जिंदा है, इसे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाओ, क्विक फास्ट। दोनों बॉडी को ले चलो। जल्दी करो, जल्दी पकड़ो उसे। संतोष इंडियन पासपोर्ट। ही इज डेड। शायद ये वही है। ये तो निकल गया, चलो दूसरे रास्ते से।
नहीं चल सकता। क्या समझ के धक्का मारा? ए, क्या है तेरे बैग में? चल अपना बैग डाला, लाना ला। ए, क्या देख रहा है? बैग देना, दे। मुझसे पंगा लेगा? रुद्र प्रजोतजाहादेक्षस्वरूपाजटाधराजाकहस्ताजनाधनाज दिव्याजदेकाज दिगंबराज तस्मै नकाराज नमः शिवाज। एक्शन बैन। हाँ बिल्कुल ऐसे। वेरी गुड वेरी गुड। ये क्या है? लाइटिंग कम लग रही है, ठीक नहीं है। अरे रे रे। अरे ये क्या, कुछ कर क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? हाँ अभी लाइटिंग बिल्कुल सही है। हाँ रेडी बैन। अरे यार, अरे तुम किसी काम के नहीं हो। ए कैमरामैन, अरे तुम क्या कर रहे हो? इधर आओ। एक्शन। अरे कितनी बार समझा तो भी समझते क्यों नहीं हो? ओहो ए, सही आर्टिस्ट लेकर आओ, मेरी जान क्यों खा रहे हो? एक बार बोला तो समझ में नहीं आता। एक्शन। अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं, एक बार ठीक से बोला। कितनी बार समझाना पड़ेगा, चलो वापस समझाता हूँ। इधर आओ। अरे यार। वेरी गुड, अब ठीक है। वन मोर। चलो आज का हो गया। कल कौन से शॉट लेने हैं जानते हो? संतोष, सारे शॉट्स के पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बता कर रखना। मैंने कसम खाई थी तुझे मार दूंगी। तो सूरज भी डलने को आ गया पर तूने मुझे मार दिया। बैकअप कैमरा हो गया पैन।